एवरीवन, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट्स का दो इंडस्ट्रियल फर्नेस है। साइज है इसका, डेप्थ है 24 इंच, हाइट है 18 इंच, विड्थ है 18 इंच। 1400 डिग्री का मुफल फर्नेस है इसका। मैं प्रोग्रामिंग क्या बता रहा हूँ, 3 फेज फर्नेस है ये, प्राइवेट इंडस्ट्री में लगा हुआ है, ये पूरे प्राइवेट ले रहे हैं। यूरोथम का कंट्रोलर है इसका। प्रोग्राम कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ। ये मैंने ऑन किया, प्रोग्रामिंग करने के लिए इसका क्या है सर, पहले हम पेज बटन दबाएंगे, पेज को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे सर, लेवल 3 आएगा, फिर इसमें एंटर करेंगे कोड, यहाँ हम 3 प्रेस करेंगे और फिर एंटर करेंगे, और एंटर करते जाएंगे प्रोग्राम में आ गए हम। ये सब डिजिट ऐसे ही रहेगा, यूनिट SP1 SP2 ऑफ, प्रोग्राम टाइमर मिनट्स में है, मिनट्स में हम रखेंगे, उसके बाद थ्रेस ऑफ रहता है, एंड RS रहता है। अब यहाँ से हम सेट करेंगे टारगेट सेट पॉइंट, जैसे पहले हमने टारगेट सेट पॉइंट किया 800, ये 1 आवर में जाएगा हमारा फर्नेस 1400 डिग्री, इतने बड़े चेंबर में 1 आवर में जाएगा। टारगेट हमने सेट किया, एंटर किया, अब टाइम हम देंगे रेट रैंप पर मिनट, तो हम इसको 70 डिग्री पर मिनट रैंप रेट देते हैं। इसको रैंप रेट हमने दे दिया, एंटर किया। अब यहाँ ड्यूल टाइम पूछ रहा है, तो 99.59 सेकेंड का है, तो ड्यूल में इसको 10 मिनट रखता हूँ। फिर 10 मिनट का मैंने ड्यूल रख दिया। अब मैं एंटर करूँगा, दूसरा सेगमेंट आ रहा है, इसमें हम टेम्परेचर रख दे रहे हैं 1000 डिग्री, ये हमारा जाएगा रैंप रेट 20 मिनट के हिसाब से, रेट ऑफ हीटिंग रैंप पर मिनट है ये, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे ड्यूल टाइम 1 मिनट, यहाँ भी मैंने 5 मिनट्स रख दिया, फिर एंटर करेंगे। तीसरा स्टेप है, हम सीधे 1400 ले जाएंगे, सॉरी 1400 ले जाना ना, 1400। अब यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया 10 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब एंटर करेंगे, यहाँ पे भी ड्यूल टाइम हम रख दिए 10 मिनट या 20 मिनट जो भी अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम है। ये भी ऑन मैनुफैक्चरिंग है, और इसका साइज है सर 24 18 18, डेप्थ 24 है, बहुत बड़ा साइज है सर, इतने बड़े साइज में 1400 डिग्री टेम्परेचर लाना।
ठीक है सर, 10 मिनट रख दिया मैंने, 10 मिनट। फिर एंटर करेंगे सेगमेंट 4 में, हम रूम टेम्परेचर दे देते हैं इसको 10 डिग्री, ऑटोमेटिक कूल डाउन हो जाएगा। ये तो आएगा नहीं कूलिंग के लिए, ताकि हीटर और सब कुछ ऑफ मिले आपको। कभी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, अगर रात को भी ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट डे आपको यही टेम्परेचर रहने देते 6 डिग्री पर या 10 डिग्री के हिसाब से इसको भी कर देते हैं। ठीक है सर, अब एंटर करते हैं। ड्यूअल टाइम कुछ नहीं, यहाँ 0, ये भी रखते हैं 0। अब बाहर आने के लिए हमें पेज से पेज और एंटर एक साथ प्रेस करना है, आप एग्जिट हो जाएंगे। ये पेज है, एंटर है, डाउन की है, अप की, ये दोनों प्रेस करेंगे बाहर आ गए। अब प्रोग्राम रन करने के लिए हमें दोनों एक साथ दबाना है, एक ही बार दबाना है। अगर दो बार दबाएं तो यहाँ होल्ड आ जाता है, तो हमें एक बार यहाँ रन आ जाए तो छोड़ देना है। दोनों ऐसे दबा के रन आ गया, अब टाइम रन आ गया, ये हीटिंग ऑन हो गया आपका। तो ये अभी फर्नेस जाएगा 700 डिग्री जाएगा 70 मिनट के हिसाब से, यानी 10 मिनट में ये 700 चला जाएगा। तो ये हमारा फर्नेस है, टेम्परेचर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये इसमें आपका सारा कुछ दिखाता है, एम्पियर, वोल्ट मीटर, ये ऑफ, हीटिंग ऑफ हो गया, एम्पियर 0 हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर 360 चला गया, और मात्र ये वोल्ट ले रहा है, अपनी तीनों फेस में वोल्ट आ रहा है, एम्पियर 0 है, बहुत कम एम्पियर में वर्क कर रहा है एक फेस पढ़ने से। और मिनर साइज बहुत है, तो देखिए एम्पियर अभी ये आपका टेम्परेचर चला गया 400 डिग्री के आसपास। इंडस्ट्रियल तरह अभी 800 पे होल्ड है, डिग्री चला गया अभी, मात्र 9 एम्पियर मिला है। अगेन तो होल्ड किया हुआ है,